मित्रों, एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडरों में, आखिर ये भेदभाव क्यों, जबकि हम सब आपकी संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने सभी को एक जैसा ही बनाया है, पर तुम्हें अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन गई हैं। पर भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव पर प्रश्न करती रहीं। मित्रों, इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और अच्छी और बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो महल और खंडर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण करेंगी। मित्रों, तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंट कहाँ से मिलेगी। मित्रों, भगवान ने कहा कि जब पृथ्वी पर कोई इंसान सच या झूठ बोलेगा तो उसके बदले ईंट तैयार हो जाएगी। सभी ईंट मजबूती में एक समान होगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम सच बोलने पर बनने वाली ईंट लोगे या झूठ बोलने पर। मित्रों, बुरी आत्माओं ने सोचा कि पृथ्वी पर झूठ बोलने वाले लोग अधिक हैं, इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोलने पर बनने वाली ईंट ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से झूठ बोलने पर बनने वाली ईंट मांग ली। मित्रों, दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर विशाल रूप लेने लगा। उन्होंने लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे और इससे उन्होंने एक शानदार महल बना लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का एक ही हिस्सा बन पाया था। मित्रों, कुछ दिन और ऐसे ही बीते। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंट गायब होने लगी। दीवारों से, छतों से और इमारतों के नींव से हर जगह से ईंट गायब होने लगी और देखते ही देखते उनका शहर खंडर का रूप लेने लगा। मित्रों, परेशान आत्मा तुरंत भगवान के पास भागी भागी पहुंची और कहा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ईंट गायब क्यों होने लगी? हमारा महल और हमारा शहर फिर से खंडर बन गया। मित्रों, भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंट गायब होने लगी? अच्छा अच्छा, लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए उनके झूठ बोलने से बनी ईंट भी गायब हो गई। मित्रों, इस कहानी से हमें कई जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर शायद इतनी गंभीरता से नहीं लेते। झूठ की उम्र छोटी होती है, आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा ही जाता है। झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर सफलता पाना आसान लगता है, पर अंत में वो हमें असफल ही बनाता है। वही सच्चाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलताएं स्थायी होती हैं। अतः हमें हमेशा सच्चाई की बुनियादी पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर तो बस खंडर ही बनाए जा सकते हैं।